Hello friends, welcome to my channel Happy Gardening. Friends, आज मैं पोर्टुलाका प्लांट के बारे में वीडियो लेके आई हूँ. जैसा आप ये देख रहे हैं, बहुत सारे कलर्स में पोर्टुलाका, जिसे मॉस रोज भी कहते हैं, 9 o'clock प्लांट भी कहते हैं, ये आते हैं. 9 o'clock प्लांट इसलिए कहते हैं कि ये मॉर्निंग में ही खिलते हैं 9 बजे तक, और इनको धूप चाहिए होती है खिलने के लिए. तो सुबह सुबह ये ढेर सारे फ्लावर्स आपके गार्डन में खिल जाते हैं. ये बहुत इजीली मेंटेन प्लांट हैं, आप इन्हें बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में. और सीड्स के थ्रू ये ग्रो किए जाते हैं, और कटिंग्स से तो बहुत ही आसानी से आपके घरों में आप इजीली ग्रो कर सकते हैं. गर्मियों में पूरी गर्मी चलते हैं ये, और ठंडक जब आती है तो धीरे धीरे ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं. आप ठंडक में इन प्लांट्स को सेव कर सकते हैं, और अगले साल फिर जब गर्मी आए तो आप इनकी कटिंग्स लगा करके बहुत सारे, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं. फ्रेंड्स, इस बार मैं 5 different कलर्स के पोर्टुलाका लेके आई हूँ, और इससे पहले मेरे पास 2 कलर के पहले से थे, तो इस तरह मेरे पास 7 कलर के पोर्टुलाका हो गए हैं. मुझे बहुत पसंद है. एक तो ये पूरा, आप इसे छोटे से छोटे पॉट में लगा दीजिए, उसको पूरा भर देते हैं. बड़े से बड़े पॉट में लगा दीजिए, वो पूरे फ्लावर से भर जाता है प्लांट पॉट, और बहुत ही देखने में बहुत ही अपीलिंग लगते हैं. मॉर्निंग में आप अगर अपने गार्डन में अगर टहलते हैं तो 9 बजे के करीब इतना प्यारा ये खिल जाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. और इन्हें ग्रो करना बहुत आसान है, बस आप 3-4 इंच की एक कटिंग आप ले लें इस तरह से, जैसे मैंने ली है ये, और बस कुछ नहीं करना. नीचे की थोड़ी लीव्स आप हटाना चाहें हटा दीजिए, और बस डिग करके कहीं भी सॉइल में लगा दीजिए. जैसे ये मैंने इसकी कटिंग लगा दी, और बस 4-5 दिन में ही इसमें रूट्स निकल आएंगे और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी. इसमें धीरे धीरे वे पूरे के पूरे पॉट को भर देंगे. इस पॉट में मैंने 5 different कलर्स के पोर्टुलाका लगाए हैं, और मैं ये वेट कर रही थी कि 5 खिलें तब मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन कभी एक कलर का खिल रहा है ज़्यादा और कभी दूसरे कलर का. तो और ये आजकल क्या हो रहा है कि सुबह ही जल्दी खिलते हैं, और 11-12 बजे के बाद ये बंद होने लगते हैं फ्लावर्स, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला. तो मैंने सोचा आज जितने खिले हैं मैं इनका ही वीडियो बना लेती हूँ. तो आप देख रहे हैं आज प्रोमिनेंटली येलो वाले ज़्यादा खिले हैं. एक ऑरेंज का छोटा सा बेबी फ्लावर देखिए, ये ऑरेंज कलर का है, और इस तरह से इसमें येलो, ऑरेंज, पिंक, पीच एंड रेड, इस तरह के 5 कलर्स हैं. एक ही पॉट में मैं इनकी सीडलिंग लाई थी, और बहुत इजीली अब तो नर्सरीज में मिलने लगी हैं डिफरेंट कलर्स के. आपको 10-10 रुपीज़ के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स मिल जाते हैं, आप उन्हें ले आइए और लगा लीजिए अपने गार्डन में. आप चाहें तो उसे छोटे से पॉट में लगा लीजिए, आप चाहें तो बड़े पॉट्स में लगा लीजिए, किसी भी तरह के कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट्स में भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं. ये देखिए, मैंने एक छोटे से पॉट में लास्ट ईयर की कटिंग इसी में सेव करके रखी थी, और 2-4 प्लांट को मैंने छोटे से पॉट में रख लिया था, ताकि विंटर्स में ये हाइबरनेशन जब चले जाते हैं तो गल जाते हैं बिल्कुल. तो इन्हें छोटे पॉट्स में लगा करके और शेडी एरिया में बचा के रखा था. तो ये शेडेड पिंक कलर का है, और पूरा भरा रहता है ये गमला फ्लावर से, लेकिन आज इसमें 2-3 फ्लावर्स खिले हैं. और इसी तरह से मैंने एक रानी कलर का, यानी कि मजेंटा कलर का है वो, जो ट्रेडिशनली आप हर जगह देखते हैं मजेंटा वाला, इसको हम लोग घास की तरह का फूल भी कहते थे बचपन में. और बाकी ये एक सीड ही है, और इसे ग्राउंड कवर के फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं. बस इसकी पॉटिंग मिक्स में किसी भी तरह की ये सॉइल में चल जाते हैं, बस इसको ज़्यादा पानी मत दीजिए. इसमें ड्रेनेज सिस्टम अगर सही है तो किसी भी तरह की ये मिट्टी में चल जाता है, बस पानी उसमें लॉग नहीं होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सकुलेंट की तरह ही है, इसकी लीव्स में पानी स्टोर रहता है, तो अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो ये गल जाती हैं इसकी लीव्स. तो इस तरह प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको बहुत कम केयर की ज़रूरत हो, ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, पेस्ट इस पर बहुत कम अटैक करते हैं, तो हर जगह ये फैल भी जाते हैं, किसी भी तरह के पॉट में, किसी भी तरह की मिट्टी में,
ना ही इससे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह के कीड़े मकोड़े से बचने बचाने की ज़रूरत है। बस आप अलग अलग कलर के प्लांट्स ले आइए और इस तरह से ये हैंग करने लगते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में भी ये बहुत प्यारे लगते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा रखा है बाहर, और ये ऐसे जब लटकते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और पूरे फूलों से भर जाते हैं। तो मेरे तो अभी ये छोटे ही हैं प्लांट्स, और अभी एक दो महीने में ये पूरा का पूरा ये भर जाएगा। देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं, ये बेबी पिंक कलर का बहुत ही प्यारा ये कलर है, इसी तरह के पीच कलर्स में भी है, एंड येलो के दो कलर्स हैं, एक ब्राइट येलो एक लाइट येलो। तो इस तरह से आप भी नर्सरी से लेकर आएँ, और चाहे आपके पास वेस्ट बॉटल्स हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं, उनको कट करके बस उसमें मिट्टी किसी भी तरह की आपकी गार्डन सॉइल है उसमें रख दीजिए और लगा दीजिए। आप हैंगिंग पॉट्स में लगा दीजिए, आप अपने बड़े जो प्लांट्स हैं उनके नीचे की बड़ी स्पेस होती है वहाँ पर भी आप लगा करके इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये नीचे ज़्यादा नीचे लटकने लगे हैं आप उन्हें कट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए दूसरे में, और यहाँ से ये और बुशी होता चला जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, आप भी अपने गार्डन में समर गार्डन में इन्हें ग्रो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।